शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है, मौत भी हयात है। सिख इतिहास दे सफे अनेक शहादतां दे नाल परे होए ने। इन्हां शहादतां दे विच सिख राज दी स्थापना करन वाले, सिख कौम दा सिक्के चलाउण वाले, छोटे साहिबजादियां दे कातल सूबा सरहंद नूं सौदा लाउण वाले, सिख कौम दे महान नायक सूरबीर योधे बाबा बंदा सिंह बहादुर दा अज शहीदी दिहाड़ा। आओ बाबा जी की महान शहादत नूं याद करदे होए शहादत दे कारना ते शहादत कीवें होई इस बारे यतन करिए। कश्मीर दे पुंछ इलाके दे विच 27 अक्तूबर 1670 ईस्वी दे विच जन्मे बाबा बंदा सिंह बहादुर दा पहला नाम लक्ष्मण देव सी, जिस नूं शस्त्र विद्या ते शिकार खेडण दा बड़ा ही शौक सी। एक बार जंगल दे विच अपने तीर दे नाल गर्भवती हिरनी दा शिकार कर बैठे। ओ हिरनी दे पेट विचों दो बच्चे जन्मे जो कि उन्हां दीआं अक्खां दे सामने तड़फ तड़फ के मर गए, जिस दा लक्ष्मण देव दे मन ते गहरा असर होया ते उसने शिकार छड़ देण ते वैष्णव मत धारण कर लिया, अपना नाम माधोदास वैरागी रख लिया ते अपना टिकाणा गोदावरी दे कंडे जा करिया, जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दी बख्शिश दे नाल आप माधोदास तो सिंह सज के बंदा सिंह बहादुर बन गए। गुरु जी दी आक्या दे नाल आपने पंजाब दे जालमा ते चढ़ाई की थी ते सोनीपत कैथल समाणा संडोरा ते 1710 ईस्वी दे विच सरहंद फतेह करके मुगल जालमा दे नाल नाल सूबा सरहंद दा सौदा लाया ते खालसे दे निशान साहिब चलाए। सरहंद दी जित तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर मलेरकोटला, रायकोट, जलंधर, दुआब, होशियारपुर, बटाला, कलानौर, पठानकोट, पट्टी, अमृतसर, रियाड़की आदि इलाकों नूं अपने अधीन करते हुए लाहौर दीआं कंधां तक जा अपड़े। दूजे पासे दिल्ली तख्त भी हरकत दे विच आ गया। पातशाह बहादुर शाह ने पंजाब ते चढ़ाई कर दी। उधर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने धार ते राजा नूं सबक सिखाउण हित चढ़ाई कर दी, क्योंकि इन्हां ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के विरुद्ध मुगलों के नाल मिल के अत नीच कारतां खड़ियां सन। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सब तो पहला राजे भीम चंद नूं हरा के कहलूर की राजधानी बिलासपुर ते जित दे खालसाई निशान साहिब चलाए ते बाद दे विच मंडी, कुल्लू, नाहन होर भी कई पहाड़ी राजे सिख फौजां दी शरण दे विच आ गए। कुछ समां मंडी रुकण तो बाद होर पहाड़ी राजा नूं सोते हुए आप चंबे नूं चले गए ते उते ही आपदा चंबे दे राजे उदय सिंह दी बेटी राजकुमारी सुशील दे नाल व्याह हो गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने एक एक करके उन्हां सारे जालमां दा सौदा लाया जिन्हां ने गुरु घर दे नाल ट्रोक माया सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पहाड़ी राजिआं नूं सोध के मुड़ पंजाब वल रुख कीता। आपने आखिरी जंग लाहौर दे सूबेदार अबद समद खां दे नाल गुरदासपुर तो 4 मील पछम वल गुरदास नंगल दी गढ़ी विच कीती। सिंघां ने मुगल फौज नूं नेड़े नहीं टुकण दिता। मुगल फौज सिंघां दे नाल सीधी जंग तां नहीं कर सकी, उन्हां ने गढ़ी दी घेराबंदी कर लई जो 8 महीने तक रही। आखिर गढ़ी अंदर राशन पानी की किल्लत हो गई। बावजूद इसके बाबा बंदा सिंह बहादुर ते सिंह बहादुरी दे नाल जूझदे रहे। अंत 8 महीने की जंग तो बाद 7 दसंबर 1715 नूं मुगल फौज वलों सिंह फड़ ले गए। उन्हां नूं पहला लाहौर ते फिर दिल्ली लिजाया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल उन्हां दी माता सपत्नी सुशील कौर ते 3 साल का छोटा जा पुत्र अजय सिंह दे नाल नाल लगभग कैदियों की गिणती 700 तो ज्यादा सी। नेजियां ते टंगे सिरां दी गिणती 2000 तक दसी जांदी है। इस तों इलावा 700 गड्ढे सिखां दे कट्टे सिरां दे लदे होए सन। कई इतिहासकार भी लिखते ने कि गढ़ी विचों तां केवल थोड़े ही सिंह कैद कीते सन, पर दिल्ली दे बादशाह फरुखशियर नूं इह दर्शाउण दे लई कि सिंघां दी गिणती बहुत ज्यादा सी तां ही जंग लंबी चली। इस दे लई फौजदार वलों गैर मुसलमानां नूं भी अपना शिकार बनाया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ते बंदी सिंघां नूं पहला लाहौर ते फिर दिल्ली दीआं गलियां विच जलूस दे रूप विच घुमाया गया ते अपमानित भी कीता गया। सरबरा खां कोतवाल ने दिल्ली दे त्रिपोलिया दरवाजे ते चपूतरा कोतवाली दे सामने लगभग 700 कैदी सिंघां दा कतल कीता। हर रोज 100 सिखां नूं कतल कीता जांदा सी। इस सिलसिला 7 दिन जारी रहा। बाबा बंदा सिंह ते साथियां नूं 3 महीने बंदी खाने दे विच सख्त तसीहे दिते गए। 9 जून 1716 ईस्वी नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं शहीद करन दा दिन रख्या गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर दी गोदी विच आपदे मासूम पुत्र अजय सिंह नूं बिठाया गया ते उस नूं कतल करन नूं कहा गया।
बाद दे विच राधा ने उस मासूम की छाती चीर के ते दर्द ने नाल तड़फदे बच्चे का दिल कढ के बेड़िया दे विच अकड़े बाबा बंदा सिंह बहादुर के मूँह विच धुनिया गया। बाबा जी के सामने उसके मासूम बच्चे ते टोटे टोटे कर दिते गए। अडोल बैठे सूरमे दियां अखां गुस्से दे विच लाल सन, दौड़े जोश दे विच फड़क रहे सन, पर बेड़िया की ताकत ने कई दिनों तो भुखे शेर नूं निडाल कर दिता। अखीर उस समा आ गया जदों जल्लाद उस सिख कौम के महान सूरमे नूं शहीद करन लई अगे वध्या। इतिहासकार लिखते ने कि सब तो पहला जलाद ने बाबा जी दियां अखां कढ़ियां, फिर हथ ते पैर कटे, लाल पकदे जंबूरां दे नाल शरीर दा मास नोचा गया, अंत सिर कलम करके शहीद कर दिता। इस तरह 9 जून 1716 ईस्वी नूं खालसा पंथ दा एक महान सूरमा सैकड़े सिंघां दे नाल अपनी सिखी तोड़ निभा गया। इतिहास गवाह है कि मुगलों वालों सिंघां नूं धन दौलत जगीरा आदि दे के अनेक लुभाऊ लालच दिते गए, पर एक भी सिंह अपने धर्म तो बेमुख नहीं सी होया। जदों जालमा ने शहीद करन दे निर्दयी हुक्म जारी कीते तां वी सिंह डरे नहीं, सगो शहादतां दीण दे लई एक दूजे दे अगे हो के आप जल्लाद दे अगे सिर कटण दे लई कर रहे सन। ताने उस सिख ते उहनां दी सिखी दी कमाई। बाबा बंदा सिंह बहादुर ते सैकड़े सिंघां दी ए महान शहादत सदा समुची सिख कौम दे लई चानण मुनारा रहेगी। असीं इन्हां समूह सिदकी सिंघां दी शहादत नूं कोट कोट प्रणाम करदे हां। ग्लोबल गुरबाणी तो डॉक्टर गुरदेव सिंह की रिपोर्ट।